हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक और माइनक्राफ्ट के वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूँ हाउ टू प्ले अ माइनक्राफ्ट कैसे खेले गाइस। तो उससे पहले हम हमारा माइनक्राफ्ट शुरू करें, हम पहले शाउटआउट्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट शाउटआउट है हुकुम क्लासीफाई, तो अभी के अभी जाके भाई को सब्सक्राइब करो गाइस अभी। और सेकेंड है हमारे लक्की रेसर, जो भाई बहुत ही जल्दी कमेंट करते हैं हमारे वीडियो में। और दूसरे हैं हमारे देव रॉय, इन्हें भी अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करो गाइस। और फोर्थ नंबर पे हमारे, सॉरी मैं नाम नहीं बोल पाऊँगा, अगर गलत बोल दिया तो सॉरी, आप अभी के अभी जाके इनको भी सब्सक्राइब करो। और अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लोग हमें कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ने क्वेश्चन करा है ग्लास कैसे बनाते हैं भाई। तो भाई ग्लास बनाना बहुत ही इजी है। आप भाई आपको फर्नेंस में जाके इनपुट में सैंड डाल देनी है और किसी भी टाइप की वुड फ्यूल डाल देनी है, स्टेयर्स, वुड प्लैंक्स, और ये थोड़ा सा आप टाइम लगेगा और फिर आपका ग्लास यहाँ पर बन चुका है। देखो आपका ग्लास यहाँ बन चुका है और आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, एज आ विंडो भी यूज़ कर सकते हो इसे, जिससे आप देख सको कि आगे आप मॉब्स आ रहे कि नहीं। चलो गाइस, ये तो हो गई हमारे शॉर्ट आउट क्वेश्चन, और अब हम चलते हैं हमारे माइनक्राफ्ट कैसे सीखें। तो गाइस आप किसी भी जगह पे स्पॉन हो जाते हो तो आपको सबसे पहले करना है गाइस, ट्रीज दिखते हैं आपको, वुड्स तोड़नी है। इसमें टाइम लगेगा, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। और ये वुड्स तोड़ना थोड़ा स्लो होगा गाइस, तो आपको प्रॉब्लम होगी, पर खेलना है तो गाइस टाइम तो लगेगा। और जैसे ही आप वुड्स तोड़ लो, आपको जाना है वो इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, और यहाँ पर गाइड्स आप वुड्स रखोगे तो आप ऐसे प्लैंक्स बना सकते हो। एक वुड का चार प्लैंक्स बनते हैं शायद, हाँ चार बनते हैं। और फिर आपको बनाना है क्राफ्टिंग टेबल, जो ऐसे वुड्स रखने से आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखो गाइस, इसमें ऐसे आप उसको होल्ड करके चार ब्लॉक्स रख सकते हो, फिर आपका वो क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगा। और जैसे ही आपका क्राफ्टिंग टेबल बन जाता है तो आप उसमें और चीज़ें भी बना सकते हो। और गाइस आपको ऐसे करके स्टिक भी बना लेनी है, कि हमारे टूल्स में स्टिक भी लगेगी। क्राफ्टिंग टेबल में ऐसा होता है गाइस कि आप ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो, जैसे ये स्टोन है, स्टोन सॉर्ड, स्टोन एक्स, स्टोन पिकेक्स, स्टोन, ये पता नहीं क्या क्या यार गाइस, इतनी फास्ट कौन बोले। मैं आपको आगे जाके इनके यूज़ बताते जाऊँगा गाइस। तो आप ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेते हैं हम, और फिर आपको गाइस वही काम करना है, जैसे ही आपके टूल्स बन जाए आपको वुड तोड़नी है। और ये एक्स का गाइस यही यूज़ है कि ये वुड तोड़ने में काम आती है, आपके हैंड से ज़्यादा ये, मतलब ये एफिशिएंसीज की ज़्यादा है, ये हाथ से ज़्यादा फास्ट तोड़ती है गाइस। तो गाइस ये तो हो गए हमारे ऐसे नॉर्मल्स। आपको बनाना है बेड कि आप रात को जल्दी सो के उठ सको, तो उसके लिए गाइस आपको चाहिए होगी वुल, और वुल के लिए आपको शिप्स को मारना होगा। शिप आपको देखो गाइस वुल देती है और मीट देती है। मीट मेरे को दो मिले हैं क्योंकि मैं लकी हूँ गाइस, ये ज़्यादातर नहीं दो मिलते हैं, बस एक ही मिलते हैं, कभी कभार गाइस ये मिलते ही नहीं है। तो गाइस उन्हें ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, बस आपको ऐसे ही घूमते जाना है, और जहाँ पर आपको घर बनाना है गाइस वो जगह आपको मतलब याद रखनी है। और यहाँ पर गाइस रात हो चुकी है, और अगर आपको तीन वुल नहीं मिलती और आप बेड नहीं बना पाते हो, तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको आपके घर के पास ही एक ऐसा एक गड्ढा सा खोद लेना है, ये टू ब्लॉक्स खोद लिया आप, थ्री ब्लॉक्स खोद लो, और आपके हिसाब से आपको जितना एरिया चाहिए उतना आप एरिया कर लो। मैं 3x3 का इसको बना देता हूँ कुछ ऐसे गाइस। तो याद रहे गाइस आप ये रात होने से बहुत ही पहले कर लो। और ये देखो गाइस अंधेरा हो जाता है, तो गाइस हमें बनाने होगी टॉर्च। तो हम टॉर्च गाइस कैसे बनाएंगे, पहले मैं थोड़े ग्लोबस्टोन तोड़ लूँ। तो गाइस ये होते हैं स्टोन, इन्हें आप जब तोड़ोगे तो ये ग्लोबस्टोन बन के आपको मिल जाते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, ये पिकेक्स का यूज़ इसी काम में होता है गाइस, माइनिंग में, जो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर गाइस हमको कम से कम 9 ग्लोबस्टोन तो चाहिए होते हैं फर्नेंस के लिए। तो यहाँ पर गाइस मैंने 9 तोड़ लिए, 7 क्यों बता रहा है, अच्छा नीचे गिरे हुए हैं गाइस। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, हमको वो गाइस क्राफ्टिंग टेबल में मिलेगा, आप यहाँ पर कहीं पर भी देख लो आपको वो मिलनी नहीं, मिलेगा ही नहीं। आप जैसे ही क्राफ्टिंग टेबल पे क्लिक करोगे उसको कहीं पर भी रख के, तो आपको फर्नेस मिलेगा।
इसमें आपको क्या करना है गाइस, टॉर्च के लिए चारकोल बनाने के लिए आपको वो रखना होगा। देखो गाइस कितना ही उजाला हो गया, मतलब फर्नेस से ही उजाला हो गया इतना, तो टॉर्च से कितना होगा। और जब तक गाइस हमारा फर्नेस काम कर रहा है तो जब तक आप गाइस माइनिंग ही कर लो, और सुबह होने तक बहुत टाइम लगेगा गाइस, तो मैं बीच का पार्ट काट दूंगा। आपको करना कुछ नहीं गाइस, आप बस ऐसे ही फ़ोन रख दो, थोड़ी देर बाद आओ सुबह हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है सुबह होने में गाइस। तो यहाँ पर चारकोल से हमने टॉर्च बना लिए, अभी हमारे फर्नेस में टॉर्च है तो कुछ काम की नहीं है, तो गाइस यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने क्लिप काट दी। और यहाँ पर गाइस सुबह हो चुकी है। तो गाइस शवल का यूज़ यही होता है गाइस कि ये सैंड, ग्रेवल और मट को बहुत ही जल्दी तोड़ती है। और यहाँ पर गाइस जैसे ही ये सुबह हो जाए तो आप अपने जितने भी आइटम्स हैं जैसे फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल, इन्हें तोड़ लो, उन्हें उठा के ले चलो, क्योंकि हमें अपना एक शेल्टर बनाना है, घर बनाना है। और गाइस मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। ये केव्स आपको गाइस बहुत दिखेंगी, जो मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा कि इनका यूज़ क्या होता है। और गाइस ये एक तरीके का मॉब होता है, ग्रीन कलर का क्रीपर, इससे आप गाइस दूर रहे तो ही भलाइए, क्योंकि ये गाइस फूटता है। आप सोच रहे होंगे फूटता है मतलब, तो अभी आप देखो गाइस, और ये वुडन जॉर्ड से 3 शॉट में मरता है। और ये गाइस इतना सारा एक्सप्लोर करता है, आप पर इसके एक एक्सप्लोर में मरोगे नहीं। और ये होते हैं गाइस जॉम्बीज, जो रात को स्पॉन होते हैं और सुबह होते ही गाइस जलने लग जाते हैं, और उन्हें डैमेज मिलता है और ये मर जाते हैं। और गाइस अभी तो बहुत ही तरह के मॉब्स बाकी है, जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताते जाऊँगा। आप सोच रहे हो गाइस मैं सारी चीज़ें अगले एपिसोड में बताऊँगा, फिर इस एपिसोड में है ही क्या। गाइस जो मैं इस एपिसोड में बता रहा हूँ आप वो आज करो, अगला एपिसोड आएगा, फिर अगले अगले करते जाना गाइस, धीरे धीरे प्रोग्रेस आपकी। और यहाँ पर गाइस मैंने 3 वूल मुझे मिल चुकी है 3 शिप मारने के बाद, तो अब हम हमारा बेड बना सकते हैं। यहाँ पर गाइस मेरे पास 3 वूल्स हो चुकी हैं। गाइस मैं आपको फूड के बारे में बताता हूँ, फूड होता है गाइस, देखो ये हमारा फूड बार होता है, जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं गाइस वो बढ़ता है, और हमारा फूड बार अगर पूरा ख़त्म हो जाता है तो हमें डैमेज मिलने लग जाता है। और फूड हमें जानवरों से मिलता है, वो फार्मिंग वगैरह मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। तो गाइस आपको अपने जहाँ पर आपको घर बनाना है उस जगह को आपको अच्छे से मतलब देख लेना है कि आसपास ट्रीज वगैरह है कि नहीं, उसके बाद आप गाइस अपने हिसाब से जितने टाइप के ट्रीज काटने हो आप काटो। ये वाइट वाला गाइस होता है ब्रिज वुड, और एक होती है गाइस ओक वुड, ये होती है वो। अभी आप गाइस दो ही जानो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगले एपिसोड में गाइस हम बायोम्स के बारे में भी जानेंगे। आपको जंगल बायोम के बारे में पता हो या नहीं हो, मैं नहीं बनूँ वो मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा, सभी अगले एपिसोड में यार गाइस। तो यहाँ पर हम फर्नेस रखते हैं, और गाइस हम यहाँ पर आपको पता है खाना भी पका सकते हैं गाइस, माइनक्राफ्ट में सब कुछ है गाइस। तो यहाँ पर हमारा खाना पक चुका है गाइस। तो यहाँ पर मैं गाइस पहले एक ही बढ़ रहा था फूड बार, पर ये खाने से गाइस हमारे 2 फूड बार्स बढ़ते हैं, कम से कम 4 बढ़ते हैं, हमारा फूल था इसलिए 2 ही बढ़े। तो गाइस हम यहाँ पर अब वुड्स का वुड प्लैंक्स बना लेते हैं, अलग अलग वुड्स के अलग अलग प्लैंक्स बनेंगे गाइस। तो अभी गाइस हमारा हाउस डिज़ाइन होने वाला है, तो आप इसे एंजॉय करो। पर गाइस हमारे घर की डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर गाइस हम हमारा क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं,
जो गाइस क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस गाइस ये सब चीज़ें आप यहीं पर रखा करो। और गाइस हमने हमारा बेड बना लिया है जो आपके लिए बहुत ही काम का है। और गाइस ये मैंने नॉर्मली मतलब डिज़ाइन बनाई है हमारे हाउस की, अगर आप चाहो तो उसको बढ़ा भी सकते हो, पर अभी आपको ज़रूरत है नहीं तो इसलिए मैंने बनाया नहीं है। तो हम हमारा फर्नेस है हम इसे अंदर डाल देते हैं घर के, क्योंकि हमारे सारे टूल घर के अंदर होंगे तो हम जैसे ही माइनिंग करके आएंगे सारे काम हम वहीं पर कर लेंगे। और गाइस आप इसे ऊपर लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऊपर भी वर्क करता है। तो हम एक और फर्नेस बना लेते क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्लोबर स्टोन है, हम एक बार में जल्दी से जल्दी हमारे खाने को कुक कर पाएंगे। तो हम गाइस हम बना लेते हैं अब गेट और स्टेयर्स, जो आगे जाके स्टेयर्स ज़्यादा काम की नहीं। और गाइस मैं स्टोन टूल्स आपको बताना अगले एपिसोड में चाहता था, पर अभी बस दो टूल बता देता हूँ, जो जॉड और एक्स है, जो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं वुड से। यहाँ पर हमारा गाइस गेट लग चुका है। और उससे गाइस गेट से होता क्या है गाइस कि अगर आप यहाँ वहाँ कहीं पर भी आप जाओगे और आपका मतलब गेट वहीं पर लगा रहेगा तो कोई भी मॉब आपके घर के अंदर नहीं आ पाएगा और आप सेफ रहोगे गाइस। तो यहाँ पर गाइस हम आपकी जो इन्वेंट्री रहती है गाइस, वो अगर आप किसी माइनिंग में जा रहे हो वो फुल हो गई गाइस तो आप क्या करोगे। तो इसलिए गाइस इस माइनक्राफ्ट गेम में चेस्ट नामक चीज़ होती है जो वो आप वुड से बना सकते हो, मैंने अभी बताया। और इसमें आप गाइस आपकी इन्वेंट्री की जो भी चीज़ें आप रख सकते हो जो अभी आपके काम की नहीं है, बाद में वो आपके काम में आएगी, वो आप पे डिपेंड करता है। आप बस वो चीज़ उसमें डाल सकते हो और बाद में आप जाके निकाल भी सकते हो। तो गाइस आप इसने घर को लाइट अप करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप लाइट अप करना भूल गए तो गाइस मॉब्स आपके घर के अंदर स्पॉन होंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं ये बनाना तो नहीं चाहता था, पर फिर मैंने बनाने का सोच ही लिया तो बना ही देता हूँ। गाइस हम स्टेयर बनाते हैं जिससे हम हमारे घर की छत बना सकें। आपको ज़रूरी है तो बनाओ गाइस, वरना ये बस ऐसे ही है। तो गाइस मैंने ऐसे ही एक मॉडल बना दिया बस। यहाँ पर गेट पता नहीं मैंने क्यों लगा दिया। तो यहाँ पर गाइस आपको ऐसे स्टेयर्स लगाते जानी है कुछ ऐसे, जिससे आप स्टेयर्स से गाइस होता ही है कि आप फास्ट चढ़ते हो ऊपर। ब्लॉक्स में आपको जंप करना पड़ता है, ऑटो जंप माइनक्राफ्ट में पहले से ही रहता है डिफ़ॉल्ट, पर स्टेयर्स में आपको कुछ जंप करना नहीं रहता, आप डायरेक्ट स्पीड से ऊपर जाते जाते हो। यहाँ पर गाइस ये हो गया ऐसे गेट। एक और कहाँ गया भाई मेरा एक और गेट कहाँ गया, जाने दो गाइस इसको हम अभी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारा ये देखो गाइस कितनी फास्ट मैं ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पर ही गाइस बढ़िया बन चुका है हमारा। तो गाइस शायद यही था आज हमारा, जिसमें हमने फर्नेस बनाया और क्राफ्टिंग टेबल, बेड और चेस्ट और एक शेल्टर और वुड्स वगैरह वगैरह गाइस। तो अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, इतने के लिए इतना ही। और यहाँ पर ये गाइस शिप को किसने मारा है, यहाँ पर इतने सारे पड़े हैं, शायद से यहाँ पर कोई डॉग है क्या गाइस। आप सोच रहे हो कि डॉग भी होता है क्या इसमें, डॉग नहीं होता गाइस वुल्फ होता है, पर मैं अगले एपिसोड में उसके बारे में बताऊंगा। और आपको एक काला सा आदमी दिख रहा होगा, अभी के लिए आपके लिए गाइस वार्निंग है, इसकी आंखों में मत देखना।